कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी पहली बार देवास कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे। दीपक जोशी अपने पिता की तस्वीर लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनके पिता स्वर्गीय कैलाश जोशी की चित्र सम्मान कांग्रेस कार्यालय में लगाया गया। दीपक जोशी ने देवास विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष व समस्त संगठनों के अध्यक्षों से भेंट के साथ ही आगामी 21 मई को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के प्रस्तावित दौरे को लेकर चर्चा की। इसी के साथ नारी सम्मान योजना की तैयारियों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में देवास जिले के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ यहाँ पर और आगे की क्या आपकी तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के आज मैं प्राथमिक सदस्य हूँ। पार्टी के एक कार्यक्रम के निमित्त सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी 21 मई शहर में भोपाल देवास शहर में आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम के निमित्त एक पार्टी ने बैठक बुलाई थी, मैं भी एक सदस्य के रूप में वहाँ उपस्थित हुआ। लेकिन कल माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा और अपने मनोज राजानी जी का आग्रह था कि माननीय जोशी जी का फोटो हमारे लगना चाहिए। मेरे मन में पीड़ा भी थी और आश्चर्य भी था और कहीं ना कहीं प्रसन्नता भी थी। पीड़ा इसलिए थी कि मैं उस कार्यालय में जहां मैं 30-35 साल से स्वयं एक बीजेपी के सदस्य के रूप में बैठा आया और जोशी जी के नाम से देवास जिले की पहचान हमारे जोशी जी का चित्र नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस कार्यालय में तीसरे दिन मिले कांग्रेस के सदस्य बनने के बाद जोशी जी की विचारधारा, क्योंकि जब इनको लगा कि आज एक विरासत को लेकर मैं किसी विशेष मकसद से इस ईमानदारी को बढ़ाने के लिए आया हूँ, तब उन्होंने कहा कि हम जोशी जी का चित्र यहाँ लगाएंगे। जोशी जी के चित्र लगाने के पहले मैं सम्मानी श्याम सुंदर जी अग्रवाल, लगभग 85 साल के हमारे योद्धा यहाँ पर मेरे ख्याल से जोशी जी के साथ रहने वाले उन असंख्य कार्यकर्ताओं में आज यहाँ पर यहाँ ही हैं, मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया क्योंकि वृद्धावस्था में है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर जोशी जी को अगर आपको वहाँ लगाना ले जाना है तो आप निश्चित रूप से ले जाइए, मैं जोशी जी के साथ था, जोशी जी के साथ हूँ, जोशी जी के साथ रहूँ। भैया, अभी 3 विधानसभा के क्षेत्र की आपने बात करी है, बागली और खतेगांव सतवाद वगैरह की, तो क्या क्या कुछ उसका असर रहेगा आगे और देवास शहर देवास पे कितना असर गिरेगा? देखिए, बागली मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही और मेरी भी रही, बागली को हम कभी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। हाटपिपिया से मैं विधायक रहा, हाटपिपिया का रहने वाला, कन्नौज खातेगांव मेरे समाज का और मेरा खुद का और मेरे परिवार का विशेष स्थान है। इस नाते से मैंने कहा था 3 सीट तो कांग्रेस को हर हालत में मिलेगी, लेकिन देवास जहाँ का मैं निवासी हूँ, लगभग 35 साल से मैं देवास शहर में रह रहा हूँ, यहाँ असंख्य लोगों ने मेरा साथ दिया है और देवास की पृष्ठभूमि पर जो राजनीतिक स्वरूप है आज की तारीख, देवास पिछड़ा नहीं, पिछड़ता जा रहा, सिर्फ पैसों के नाम पर यहाँ विकास के काम किए जा रहे हैं। आज देवास औद्योगिक परिदृश्य से लगभग गायब हो गया, देवास में कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ आ नहीं रही है। देवास के बाहर मेरे विधानसभा क्षेत्र में जॉन डियर जरूर आई, लेकिन उससे बड़ी फैक्ट्री कभी 90 के बाद आई हो तो बता दिए जाए। देवास का जो विकास होना चाहिए वो कहीं दिखता नहीं है, इसलिए विकास का जो परिदृश्य देवास पे वो खत्म हो गया, उसके विरुद्ध जनचेतना करके हम यहाँ पर कांग्रेस देवास विधानसभा क्षेत्र में अपने भ्रष्टाचार को लेकर भी बात कही।